ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा कोड है इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, यानी कि स्टार्टर टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से आप गिट क्लोन भी कर सकते हैं या फिर आप जिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जिप डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं कि जिप को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे पहले कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद में इसे हम ऐड कर देते हैं डेस्कटॉप पे। आप जहाँ भी आपको सहूलत हो, जिस भी फोल्डर में आप इसे रखना चाहते हैं, वहाँ पे इसे पेस्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको, क्योंकि ये जिप फाइल है तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्टर टेम्पलेट है। इसमें कुछ नहीं है और बस बेसिक जो चीज़ें होती है वो सब है। अब बाकी मैं इसको आपको एक बार ओपन करता हूँ और इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा कि ये जब हमने डाउनलोड कर लिया तो इसे हमें करना होगा ये कि इसको ओपन करना पड़ेगा एक कोई टेक्स्ट एडिटर के ऊपर में। तो आप चाहे तो कोई भी अपने हिसाब का टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इसे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो कि हम टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं। सिंपली क्या करना है, इस फोल्डर को आपको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे आपको छोड़ देना है। ठीक है, जब आप छोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा कि अपने आप जो आपका प्रोजेक्ट है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि ये हमारा जो स्टार्टर जो रिएक्ट प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं, तो जो उसको इंस्टॉल करते हैं, तो वो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने इसको क्लीन किया हुआ है। जो भी चीज़ें हमें नहीं चाहिए थी वो सब हमने रिमूव कर दिया है। और यहाँ पे एक पेजेस नाम का एक फोल्डर हमने क्रिएट किया है। इसके अंदर में दो हमने कंपोनेंट्स क्रिएट किए हुए हैं। एक है ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए और एक है हमारा जिसके अंदर ब्लॉक की लिस्टिंग आएगी वो है हमारा। ठीक है, दोनों बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे सीरीज़ में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इन दोनों कंपोनेंट्स का यूज़ जो है वो हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए करेंगे और आगे की चीज़ें आगे बढ़ने सीरीज में आगे बढ़ने के लिए करेंगे। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें सिंपल है, बाकी कुछ है नहीं, सिंपल रिएक्ट की चीज़ें हैं। से अब इसको क्या करना पड़ेगा कि रन करने के लिए पहले तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जितने भी पैकेजेस इसके अंदर में यूज़ किए गए हैं, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर में। इन सारे पैकेजेस को हमें क्या करना है कि इंस्टॉल करना है, यानी कि रिएक्ट इंस्टॉल करना है। उसके बाद फिर हम मटेरियल यूआई जो है वो इंस्टॉल करेंगे। वैसे मटेरियल यूआई इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि एक कमांड लाइन इंटरफेस की ज़रूरत है, यानी कि सीएलआई की ज़रूरत है। तो आप विंडो का डिफ़ॉल्ट सीएलआई वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर गिट आपके पास हो तो गिट यूज़ कर सकते हैं, या उसके अलावा कोई दूसरा और भी हो सीएलआई तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि जो इसका जो इंटीग्रेटेड टर्मिनल है, यानी कि वीएस कोड का, विजुअल स्टूडियो कोड का, मैं उसको यूज़ करता हूँ इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस टर्मिनल में जाना है और यहाँ से फिर न्यू टर्मिनल पे क्रिएट करना है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर में हमें यहाँ पे जो सीएलआई के अंदर पाथ है वो इम्पोर्टेंट है कि आपका फोल्डर के अंदर का पाथ होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ आप इंस्टॉल करेंगे तो कहीं और चीज़ें जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगी। तो अब रहा सवाल कि अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा एक कमांड है जिसको आपको यूज़ करना है। कमांड का नाम है npm install। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, npm install या फिर सिंपल npm i भी लिख सकते हैं शॉर्ट में आप इस तरीके से।
तो भी ये कमांड जो है ये आपका वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल आपको एंटर प्रेस कर देना है। अब ये क्या करेगा, जितने भी पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर में पैकेजेस मौजूद हैं उन सब पैकेजेस को ये क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, पॉज कर देता हूँ। जैसे ये सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। और उसका पहचान ये है कि जब पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे तो यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल नाम का एक फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैकेज था वो जितने भी पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर जितने भी पैकेज मौजूद थे वो सब इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोड मॉड्यूल नोड अंडर स्कोर मॉड्यूल्स नाम से एक फोल्डर बन चुका है। और यहाँ पे आप पाथ देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, यानी कि इसका मतलब है कि ये इंस्टॉल हो चुका है। तो इस प्रोसेस में क्या है कि थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको वेट करना है। ये आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन और आपका जो नेट का स्पीड है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब रहा सवाल कि इसको जब हमने इंस्टॉल कर लिया है तो अब हमें क्या करना होगा कि इसको डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस में हमें यहाँ पे npm स्टार्ट कमांड ऐड करना है। तो इसके लिए npm स्टार्ट, ये हमारा कमांड है जो इसको स्टार्ट करेगा हमारा डेवलपमेंट सर्वर। इसके लिए आपको क्या करना है, टाइप करने के बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद में ये क्या करेगा कि जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उस ब्राउज़र के ऊपर में इस प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा, यानी कि जो कुछ भी इस प्रोजेक्ट के अंदर में होंगे उसको ये ब्राउज़र पे क्या करेगा कि डिस्प्ले करेगा, ताकि हमें पता चल सके कि अब हमें प्रोजेक्ट के अंदर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जो भी कुछ हमने किया है वो कैसा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लॉक्स पेज लिखा हुआ है, यानी कि जो प्रोजेक्ट था वो हमारा ओपन हुआ कितना, लोकल होस्ट 3000 के ऊपर में। और यहाँ पे लिख कर क्या रहा है, क्या ब्लॉक्स पेज। तो अब वापस से चलते हैं कोड के अंदर में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो ब्लॉक पेजेस के अंदर में जो हमारा ये कंपोनेंट्स है ब्लॉक्स, ये चीज़ वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये कैसे दिख रहा है, तो बेसिकली क्या है कि जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है इसके अंदर हमने रिएक्ट राउटर भी ऐड किया हुआ है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं आप ये एडेड है। तो ये क्या कर रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इस कंपोनेंट को ओपन कर रहा है जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कंपोनेंट्स ऐप डॉट जे एस के अंदर में हमने कॉल किया हुआ है और यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है, जिसका पाथ जो है ये स्लैश है, यानी कि रूट है। तो रूट पे कौन सा ओपन हो रहा है, यानी कि ये ओपन हो रहा है ब्लॉक्स, जो हमारा ब्लॉक्स कंपोनेंट्स है वो ओपन हो रहा है ये वाला। और इस कंपोनेंट के अंदर क्या मेंशन है, वो हमारा सिंपल क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ ब्लॉक्स पेज जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि जो हमारा प्रोजेक्ट था वो ओपन हो चुका है और जो भी कुछ हमने इसमें बेसिक चीज़ें लिखी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी डिस्प्ले हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मटेरियल यूआई को इंस्टॉल कैसे करना है, इसमें ऑलरेडी तो इंस्टॉल है बट इंस्टॉल कैसे करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जाना पड़ेगा आपको मटेरियल यूआई के साइट पे और यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा गेट स्टार्टेड पे, ठीक है। जब गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन पेज पे आपको लेकर के जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन लिखा हुआ है, अगर आप npm यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये वाला कमांड यूज़ करना है, ठीक है, और अगर यान यूज़ कर रहे हैं आप तो आपको ये वाला कमांड जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, npm इंस्टॉल npm यूज़ कर रहे हैं, यानी कि नोड पैकेज मैनेजर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये वाला कमांड यूज़ करना है, ठीक है। इसको करना है कॉपी, वैसे तो ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल है, जब आप प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे तो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो कि स्टार्टर टेम्पलेट आपका खुद का प्रोजेक्ट अगर आपने क्रिएट किया है उसमें अगर आपको ऐड करना है तो आप कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक CLI ओपन करना पड़ेगा। तो इस पर हमारा क्या है कि सर्वर रन कर रहा है डेवलपमेंट सर्वर, तो इसको मैसेज छोड़ देते हैं,
यहाँ से दूसरा टर्मिनल जो है वो हम ओपन कर लेते हैं इस प्लस साइन पे क्लिक करके। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड का इंटीग्रेटेड टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं तो, बाकी अगर कोई दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सी एल आई ओपन करना है और सी एल आई में पाथ ज़रूर चेक कर लेना है कि जो भी आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है उसका रूट का पाथ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कमांड को पेस्ट कर देना, npm install material-ui/core, ठीक है, और उसके बाद आपको इसको एंटर कर देना है। ये क्या करेगा कि इस मटेरियल यूआई अगर इस पे इंस्टॉल नहीं है तो इसको क्या करेगा कि मटेरियल यूआई लाइब्रेरी को ये ऐड कर देगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर में, ठीक है। जब ये प्रोजेक्ट जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि कंपोनेंट्स वगैरह जो भी हैं आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप कंपोनेंट्स यूज़ करना चाहते हैं उसको।